जरूर है। आ साथ बात करिए आगळ समाचार नहीं तो आईपीएस ने बदनाम करवाना कावत्रा केस में तपास हाथ धराई है। तो फरियाद थई है तेरे अमदावाद पुलिस ने ट्रांसफर कराई है। अगाउ तपास गांधीनगर एसओजी करती थी जे पांचों आरोपी अमदावाद पुलिस ने सौंपाया है। तो गुना की शुरूआत अमदावादी थई होवाथी आ निर्णय लेवायो छे कि ज्यां आईपीएस ने बदनाम करवानुं षड्यंत्र रचायुं हतुं तो 8 करोड़ खंडणी पण मांगवानुं आ षड्यंत्र हतुं। त्यारे आ समग्र मुद्दे अत्यारे हाल तपास पण चाली रही छे। त्यारे अंगे वधु वात करवा फोनलाइन पर हरमेश जोड़ाई गया छे। हरमेश, आईपीएस ने बदनाम करवानुं जे कावतरुं हतुं तेमां तपास आगळ तेज कराई छे, शुं छे वधु विगत? बिल्कुल, पुलिस विभाग में खड़भड़ाट मचावी दे केवी जे घटना छे ते थोड़ा समय पहला बनी थी, जेमा आईपीएस ने बदनाम करवा माटे थी अने केटलाक लोको छे ते लोकोए कावतरो रच्यो हतो अने तेना माटे थी अने खंडणी पण मांगवानी जे वात सामे आवी हती तेने लईने गुजरात ईटीएसे आ मामले तपास शुरू करी हती अने जेमा 5 आरोपीनी धरपकड़ करवामां आवी हती। आ समग्र बाबतनी जे तपास छे अने जे आरोपीओ छे ते लोकोने गांधीनगर पोलीसने सौंपवामां आव्या हता अने आ केसनी तपास છે તે ગાંધીનગર એસઓજી દ્વારા કરવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ આ જે ગુનો છે તે ગુનો ચાંદખેડા વિસ્તારમાંથી બન્યો હોય તેના કારણેથી અને ચાંદખેડા પોલીસને આ જે ફરિયાદ છે તે 0 નંબરથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે। હાલ સમગ્ર બાબતને લઈને શહેર પોલીસ કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં આ મામલે ચર્ચા કરવામાં આવશે અને સાથે જ આ જે ચાંદખેડામાં જે 0 નંબરથી ફરિયાદ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે તેની તપાસ કઈ એજન્સીને એટલે કે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એસઓજી સહિતની કોઈ પણ એજન્સીને સોંપી કે સ્થાનિક પોલીસે સોંપી તે બાબતે નિર્ણય લેવામાં આવશે। જી ચોક્કસ, હરમેશ જોડાઈ સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર। गुनानी शुरुआत अमदावादथी लईने थई छे त्यारे आ तमाम मुद्दे हाल तपास हाथ धराई छे।